थोड़ी हाथ में मेरे माँ बाप ने हम लोग को देखा नहीं है दोनों ने। हॉस्पिटल ने बॉडी किसी और को दे दिया ऐसा सुनने में आया है? हाँ दे दिया, तो भी हमको उधर से बॉडी चाहिए, नहीं तो हम लोग खुद को कुछ कर लेंगे, मेरे माँ बाप भी मर जाएंगे उसके बिना। डॉक्टर के खिलाफ आप कार्रवाई करना नहीं चाहते? करेंगे ना, जब बॉडी नहीं मिलेगा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको बॉडी कैसा भी हालत से चाहिए तो चाहिए। बॉडी ऑलरेडी किसी और परिवार को दे दिया है? हम लोग नहीं जानता ये सब, उन लोग का गलती है ना, हम लोग क्या करेगा उसको, हमारा भाई हम लोग को चाहिए। सरीना हॉस्पिटल में बहुत दिन से, कम से कम एक साल से बहुत बहुत गलत हो रहा है। कोविड का समय तीन दिन चार दिन बाड़ी और पेशेंट एक ही बेड में था। बहुत आप लोग का चलता प्रेस मीडिया में ये मैटर आने के बाद डेड बॉडी निकालना शुरू हो गया। जब तक डेड बॉडी भी अंदर, एक ही वार्ड में पेशेंट भी अंदर था। आज दूसरा जो बात निकाला ये तो बहुत विषय गंभीर है। पेरेंट्स को बाड़ी नहीं दिया है, बाड़ी दूसरे को दिया, वो भी डॉक्टर लोग साथ में जाके पुलिस स्टेशन में NOC लिया क्या, किसी को मालूम नहीं। पेरेंट्स को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, डायरेक्ट लेके जाके चलाने का क्या काम था। मार लगा सर पे, ऑपरेशन हुआ इधर, वो भी कल रात को 12-1 बजे का बाद। इधर मेरे को लगता है इन्होंने इंक्वायरी करेगा तो मालूम पड़ेगा कितनी चोरी किया है, कुछ ना कुछ लपड़ा है, इसलिए पेरेंट्स को बॉडी नहीं दिया है। एकदम युवा लड़का है, 28-30 साल का है, वो डायरेक्ट लेके जाएंगे शमशान भूमि में, तो बाड़ी चलाने का इनका आवश्यकता क्या है, इनका जरूरी क्या था, कुछ गलत किया इसलिए पेरेंट्स को बाड़ी नहीं दिया। साइन पुलिस स्टेशन से NOC लिया कि नहीं, वो भी इंक्वायरी करना पड़ेगा। शमशान भूमि वाला NOC दे के चला है क्या, पैसा लेके चला है, वो भी इंक्वायरी करना पड़ेगा। एक तीन से लेके डॉक्टर तक ये कितना गलत किया इसके साथ और क्या क्या है, मामला पूरा निकालना पड़ेगा। एक ही जाना चाहेंगे, सब जो है डॉक्टर ने खुद से जाकर उनका अंतिम संस्कार किया या किसी और को दे दिया? बात आ रहा है सच्चा बात, इधर का ऑपरेशन का जरूरी नहीं था, वो PM करने का समय पेरेंट्स के साथ परमिशन के साथ आफ्टर डेथ ये ऑपरेशन कर सकता है, कोई चीज निकालने वाला परमिशन पेरेंट्स का परमिशन के साथ करना पड़ेगा। विदाउट परमिशन या ऑपरेशन करने का जरूरी क्या था, वो एंटोरी से बाहर निकलेगे तू लेके जाएगी, तुम जो दूसरे का पास उनका ब्लड रिलेशन नहीं है, पेरेंट्स इधर है, उनका भेजी यहाँ खड़ा है, किसका पास बाड़ी देने का जरूरी क्या था इनको, इतना जल्दी जल्दी क्यों कर रहा है? हाँ। सीधा आरोप सर ऐसा है कि ये जो है किडनी फेलियर, किडनी चोरी का मामला जो है वो छुपाने के लिए इस तरह से बॉडी गायब किया गया है, वही डाउट लग रहा है। इंक्वायरी में पूरा मालूम पड़ेगा ये गलती का साथ पहले कितना गलती किया, वो भी साइन हॉस्पिटल से पूरा इंक्वायरी के साथ सब बाहर निकलेगा। तो आप लोग क्या, ये बहुत बड़ा गेम है, ये बहुत बड़ा इनका जो है स्कैम, लगातार 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 जो है ये काम कर रहा है ऐसा लग रहा है। तो क्या अभी आप लोग साइन पुलिस स्टेशन में डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे? नहीं, साइन पुलिस स्टेशन में इंचार्ज टीम जो डॉक्टर के साथ कौन कौन था ऑपरेशन, उनको अलग अलग इंक्वायरी सबका ऊपर FIR करके, और पहले जो अभी मैं मालूम पड़ा जो अधिकारी आया उनके साथ पहले बात करेंगे, पहले सबका ऊपर इंक्वायरी करके अरेस्ट करके इंक्वायरी करो। तो सब साइन पुलिस स्टेशन NOC दिया कि अभी मैं मालूम करता हूँ, लेकिन पहले जो यहाँ का जो गलत ऑपरेशन हुआ किसके लिए हुआ, विदाउट ब्लड रिलेशन बॉडी दिया है, क्यों दिया है, ये दोनों का अभी मेरे को जो है जवाब मैं पूछेंगे पुलिस स्टेशन, और जो है डॉक्टर और डीन इनको अरेस्ट होने के बाद ही उनका इंक्वायरी शुरू होएगा, अरेस्ट करने तक हम लोग खड़ा रहेगा। एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे आपसे, डॉक्टर ने किसी और को वो डेड बॉडी दिया था, और जो ऑपरेशन की जो बात हो रही है वो क्या कोई और दूसरा बॉडी है या पहले वाला जो पीड़ित है उनके रिश्तेदार का है? अरे भाई उदाहरण के लिए बताता हूँ, मेरा घर पे कोई निधन हुआ है, दूसरे का घर का बॉडी क्यों मैं ले वे काय के लिए, ये कौन सा काम पर मैं से पैसा कर गया, ये किसी का जान है, युवा पीढ़ी 28-30 साल वाला को मार दिया है, ये कौन पूछेगा, हम लोग ही पूछेगा, प्रेस वाला पूछेगा, पूरा दुनिया पूछेगा, ये बहुत बड़ा गलती किया, बहुत बड़ा लफड़ा किया, इसलिए छुप करके बाड़ी लेके जाएगी अंतिम यात्रा करने के लिए। ये लोग गया घटना में 181 की नगर से लिखा हूँ पुष्पा कोहली। हमारे वार्ड में राजीव गांधी नगर में एक लड़का रहता था, उनका फ्रीवे में 17 तारीख को एक्सीडेंट हो गया। 17 तारीख को एक्सीडेंट के बाद उनके सर पे लगा था, सर पे लग के 17 दिन वो इधर ही थे हॉस्पिटल में, साइन हॉस्पिटल। हाँ, आज साढ़े सात आठ बजे उनका मौत हो गया। अच्छा, मौत हो गया, बच्चे लोग दौड़ के आए,
उस पर चादर डाला था, चादर डाला था, उन्होंने चादर खींचा तो उनका स्टिच इधर चाहिए सर को, ये फटा, इतना स्ट्रिक है, शूटिंग है हमारे पास, बच्चों लोग ने, लड़के लोग ने शूटिंग निकाली है। अच्छा दूसरी बात वो हो गया, ऐसा हो गया कि उन्होंने बॉडी 54 इयर्स की उनके हाथ में देने लगे और वो बॉडी जला दिया किसी को और को देके। कंफर्म है ये बात? हाँ ये बात कंफर्म है, बॉडी अभी नहीं, अभी एक लड़का कोई है उसका 24 साल का है, उसका बॉडी हम लोग को बता रहा है कि अच्छा। ये बॉडी है अभी ये अपना का है उसका, वो कितना साल का लड़का है? 27 साल का। 27 साल और 54 साल के एयर का आदमी का बॉडी अगर देंगे तो उन्होंने खोल के देखा, एक लड़का है यहाँ पे, उन्होंने खोला तो ये बॉडी अपना नहीं, वैसा ही उधर फेंक दिया। और वो बॉडी जो बताया था अपने लड़के का, उसको ला के जला भी दिया साइन शमशान में जाके। अच्छा अभी आपका क्या कार्रवाई करने के लिए आप हमारा कार्रवाई ये है, हमारा बॉडी हमको मिलना चाहिए, वो जो माँ बाप तड़प रहे घर में, उनको बच्चे चाहिए, उनका बच्चे का शक्ल देखना है, आज बहन तड़प रहे, 17 दिन से उन लोग इंतजार कर रहे थे आज मेरा भाई अच्छा होगा कल होगा, अगर ऐसा है तो ये अंधा कानून ये कैसा क्या साइन हॉस्पिटल में चल रहा है? साइन हॉस्पिटल में इनके ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी डिमांड है, हमारी मांग है, सब जनता आज इधर खड़ी है, उनकी भी डिमांड है, ये मैं बोलता हूँ।